वाम एंड चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको 2021 का इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं इसी के साथ। तो देखिए, जो इस बार का आपका इंग्लिश का पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा। आपको भी पता है टोटल मार्क्स का 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और जिसमें कि 20 मार्क्स आपके किसके होंगे, जो आपका ASL वगैरह होता है उसके होंगे। ठीक है, तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में और किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब जो आपका पेपर है, सबसे पहले जो इसमें सेक्शन होगा, इस बार सिर्फ दो सेक्शन में ही बांटा गया है आपका क्वेश्चन पेपर, ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन ए है, जो आपका सेक्शन ए है वो आपका होगा 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या दिया जाएगा करने के लिए सेक्शन ए में। सेक्शन ए में सबसे पहले तो आपको रीडिंग सेक्शन होगा इसमें ही। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखा हुआ होगा रीडिंग, ठीक है, जो कि आपका 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए, ये रीडिंग सेक्शन जब 20 मार्क्स का आएगा, तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करेंगे कि हाउ यू हैव टू गेन दीज 20 मार्क्स। देखो, जब प्रैक्टिस हम करते हैं, जब हमें पता है कि भाई ये चीज़ आने वाली है, और तब भी हम उसके लिए तैयारी ना करें, तो उसको बेवकूफ़ी के अलावा कुछ और नाम दे नहीं सकते हम। ठीक है, जब हमें पता है तो हम अच्छे से तैयारी करें कि हाँ भाई ये चीज़ आने वाली है। तो देखेंगे हम कि रीडिंग सेक्शन में हमें कैसे तैयारी करनी है। जो पहला क्वेश्चन होगा आपका रीडिंग सेक्शन का, वो होगा आपका पैसेज। ठीक है, और आपको पैसेज में से आंसर देने हैं। पहला जो पैसेज होगा आपका, वो सीधे टेक्स्ट बेस्ड किसी भी आर्टिकल बेस्ड होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं। और इस बार सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके कैसे होंगे? एमसीक्यू बेस्ड होंगे। उसमें कैसे होंगे? एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू हैव टू डू द आंसर्स ऑफ दीज पैसेजेस। ठीक है, दूसरा भी आपका, ये पैसेज भी आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, दूसरा भी पैसेज होगा आपको 10 मार्क्स का। ठीक है, अगेन सेकंड आपका पैसेज होगा, जो कि आपका फिर से 10 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। अब लेकिन फर्क क्या होगा कि मैंने जैसे कि आपको बताया, वो किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी स्टोरी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये जो आपका पैसेज नंबर 2 होगा, ठीक है, वह आपका जो आएगा वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड होगा। किसके पर बेस्ड होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको उस ग्राफिकल पैसेज से ग्राफ पर भी नजर रखनी है कि किस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं, किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से तुम्हें इन पैसेज को करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इनमें इंटरनल चॉइस दे रखी होगी, आइदर यू हैव टू डू 10 out of 12 और 10 out of 11। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 11 के 11 या 12 के 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं। तो बेटा, सीबीएसई का रूल है कि वह सिर्फ आपके शुरू के ही क्वेश्चंस को सिर्फ चेक करेगा, बाद के क्वेश्चंस को नहीं चेक करेगा। तो फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को कि तुम्हारा आंसर जो है दसवां वाला करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, गलत है, और 11 वाला सही है। तो अगर उनको मार्क्स अगर ही सही है, तो सिर्फ इतने के मार्क्स देंगे और आप यहाँ पर अपने मार्क्स लूज कर देंगे। तो पहली यही थी कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंट होकर उन्हीं 10 क्वेश्चंस का आंसर दें जिनको कि आपको लगता है कि हाँ मुझे इनके आंसर आते हैं, उससे ऊपर लिखने की कोशिश ना करें, सिर्फ 10 क्वेश्चन के ही आंसर दें। ठीक है, उनमें से। अब दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपको काम करना है। ये जो आपके पैसेजेस होंगे, इन पैसेजेस में से आंसर किस तरीके से ढूंढना है, किस तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ भाई किस तरीके से करें। बच्चे बहुत सोचते हैं कि आंसर नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। कितने मिनट्स मिलते हैं? 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल्स का नहीं है, जहां पर आपको मिस्टेक्स मिलेंगी जो आपको चेक करनी है। ये ऑलरेडी बहुत बार चेक होकर के आता है बोर्ड के द्वारा, तो आपको इसमें तो गलती ढूंढनी है ही नहीं, और ना ही अपना टाइम इस चीज में वेस्ट करना है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। समझ गए? तो क्या करना है उन 15 मिनट में आपको, आपको इन अपने पैसेजेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। समझ में आ गया? और इतने ध्यान से पढ़ना है, और पेंसिल ले लेनी है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लगते हैं कंप्लीट फोकस दीजिए, मेमोराइज करके रखिए उस पैसेज को, और फिर उसके बाद जाइए आप अपने क्वेश्चंस पर जब आपका टाइम होता है करने का।
ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं कि हाउ यू हैव टू डू दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ योर रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहली ट्रिक है बेटा, देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन नंबर, आपको फर्स्ट पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहां पर मिल जाएगा, आपके पहले ही पैराग्राफ में मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके मिलने के चांसेस या तो आपकी इस फर्स्ट पैसेज की एंडिंग लाइंस में, सेकंड पैराग्राफ में, या थर्ड पैराग्राफ की शुरुआत की लाइन में। तो मतलब फर्स्ट के एंड में, सेकंड में और थर्ड के शुरुआत वाली लाइन में, ठीक है, जो अबव सेक्शन होगा उसका, उस सेक्शन में, ठीक है। तो आपको इनके आंसर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उन पे जाकर के देखें और ढूंढें अच्छे से आंसर्स को। लेकिन मैं जो आपको आगे ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स दिस ट्रिक फेल्स, ठीक है, क्योंकि बहुत बार नहीं होता कि आपको इस तरीके से आंसर मिल जाए, क्योंकि आंसर कहीं और ही होता है जब, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं आपको आसानी से क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से करना है। तो देखिए ट्रिक नंबर वन हो गई हमारी पूरी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिक नंबर टू की। ट्रिक नंबर टू क्या कहती है कि इलिमिनेशन मेथड अपनाएं। देखो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपको ऑप्शन नंबर वन भी दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर टू भी दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर थ्री भी दे रखा होगा, और ऑप्शन नंबर फोर भी दे रखा होगा। आपने पैसेज पढ़ा है, आपको लग रहा है कि भाई कि क्लियरली मेरे ये आंसर्स हो ही नहीं सकते हैं, तो आप उन ऑप्शंस को क्या करें, सबसे पहले इलिमिनेट कर दें। क्या कर दें? इलिमिनेट, ठीक है। इलिमिनेट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस बने, ट्राई टू फाइंड दीज ऑप्शंस इन योर पैसेज, और उन ऑप्शंस को जल्दी से जल्दी अपने पैसेज में ढूंढें और अपने आंसर को सिंप्लीफाई करके फिर आप अपना आंसर दें, जिससे कि आपके करेक्ट होने के, आपके आंसर के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और आपको और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर थ्री की तरफ, ठीक है। ट्रिक नंबर थ्री है, बच्चे कहते हैं सर हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एंटोनियम और सिनोनियम में होती है, ठीक है। तो एंटोनियम और सिनोनियम के लिए भी बेटा यही ट्रिक है कि आपको क्या करना है, एंटोनियम और सिनोनियम के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको अगेन चार ऑप्शन तो मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन तो मिलेंगे ही। अब इतना तो कम से कम कॉमन सेंस हर किसी के अंदर होता है कि उसको पता है कि हाँ भाई ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं इसका आंसर। तो पहले तो सबसे पहले जो इलिमिनेशन मेथड है वो अपना लीजिए, तब भी कंफ्यूजन कि भाई पहला होगा या तीसरा होगा। दूसरा इलिमिनेशन मेथड बताता हूं, इसमें क्वेश्चन में दिया होता है कि इसका आंसर आपको पैरा नंबर फोर से ढूंढना है, इसका एंटोनियम या सिनोनियम आपको पैरा नंबर फोर से ढूंढना है, थ्री से ढूंढना है, टू से ढूंढना है। तो बेटा कभी कभी तो क्या होता है कि उस पैरा में इनमें से कोई सा वर्ड ऐसा होता है वो दिया ही नहीं होता है, ठीक है। जब दिया हुआ नहीं है तो आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आप उसको भी क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन इजीली इलिमिनेट दैट, और फिर जो आपका आंसर बचता है वो आपका आंसर होगा। तब भी अगर सपोज करो नहीं कट पाया तो क्या होगा, सपोज करो नहीं कट पाया तो क्या होगा, तो इसके लिए बेटर ट्रिक क्या है बेटा कि आप क्या करें, सबसे पहले उनका हिंदी में शाब्दिक अर्थ समझें। क्या समझें? हिंदी में शाब्दिक अर्थ, ठीक है। पहली बात तो जो आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में जो वर्ड दिया जिसका एंटोनियम और सिनोनियम ढूंढना है उसका हिंदी शाब्दिक अर्थ ढूंढें, ठीक है, अपने माइंड में सोचें और एक सेंटेंस फॉर्म करें, यार उस एक वर्ड से सेंटेंस फॉर्म करें, उस सेंटेंस से उसका मीनिंग निकालें, ठीक है। और आपको जो वर्ड यहां पर दिए हुए हैं दोनों, इनसे भी सेंटेंस फॉर्म करें एक एक, और इनका मीनिंग निकालें। जिसका मीनिंग आपका क्लोजनेस दिखाए इस वाले मीनिंग के साथ वही आपका आंसर होगा। आप इसीलिए आप इस तरीके से अपने इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। सो दीज आर द ट्रिक्स यू कैन यूज टू राइट द आंसर्स ऑफ योर पैसेज, ओके। और सिंपल वे में बताएं तो आप जितना बेटर वे में, और दूसरी चीज बेटर सबसे ज्यादा जो मायने रखती है आपका वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखता है। तो क्लियरली एक ऑर्डर में करें ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले सेक्शन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एकदम ऑर्डर में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर है उस तरीके से करें। जो आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस छोड़ दें, और देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको करना क्या है, दोनों साइड से बॉर्डर लाइंस जरूर बना लें आप लोग, जिससे कि आपको जो वर्ड लिमिट्स है आंसर्स में कई बार ज़्यादा भी लगती है, इससे फायदा भी मिलता है आप लोगों को, प्लस इसमें क्लियरनेस ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। यू हैव टू डू योर वर्क नीटली, ठीक है। और हर एक आंसर के बाद आप क्या करें, पेंसिल से लाइन बनाना ना भूलें, ठीक है। आप तो आपने फीस दी है, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस दी है, तो कॉपी भरने की टेंशन मत लीजिए, वो आपको और मिल जाएगी बी शीट भी, लेकिन प्रॉपर गैपिंग करें हर एक क्वेश्चन के बीच में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो हमने देख लिया कि जो हमारा रीडिंग सेक्शन था, मैंने बताया आपको 20 मार्क्स का होगा, किस तरीके से होगा, दो पैसेज होंगे जिसको कि आपको आंसर लिखने हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको पैसेज किस तरीके से करने हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, कि आपको दूसरा क्या दिया हुआ है सेक्शन ए में, क्योंकि वो 40 मार्क्स का, हमने सिर्फ 20 मार्क्स का कवर किया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, फिर आपको लिटरेचर से वो दिए होंगे पैसेजेस,
कहां से? लिटरेचर से। अब आपको यहां पर भी पैसेज मिलेंगे, लिटरेचर से आपको पैसेज मिलेंगे, जो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं उनसे आपको पैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए लिटरेचर से जैसे आपको पैसेजेस मिलेंगे, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री में, वो फर्स्ट सेकंड तो वहां हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या होगा, आपको दो पैसेज अटेम्प्ट करने हैं, किन्हीं तीन में से, कितने पैसेज अटेम्प्ट करने हैं, दो तीन में से, जो कि आपका 4+4, एक पैसेज 4 मार्क्स का होगा, तो दोनों पैसेज के दो पैसेज अटेम्प्ट करने, तो कितने मार्क्स के हो गए, 8 मार्क्स के हो गए। क्लियर सभी को? तो ये तो आपका यहाँ पर 8 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस 8 मार्क्स के कंट्रीब्यूशन में भी देखो सेम चीजें आपकी यूज होंगी, जहां भी आपके पैसेज होंगे वहां पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैसेज होगा, तो आपको मैंने समझा ही दिया कि आपको पैसेज किस तरीके से करने हैं, ये तो आपका और आसान रहेगा, क्योंकि आपका ये लिटरेचर बेस्ड है, आपने पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, और नहीं भी है तो आपका करना है पैसेज में से ही आंसर लिखना है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जो भी मैंने पैसेज के लिए आपको ट्रिक्स बताई है उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट जो आपका होगा वो भी आपका पैसेज ही होगा, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, लेकिन उसमें आपको दो एक अटेम्प्ट करना है कि नहीं दो में से, ठीक है। और क्या होगा, वो आपका होगा बेटा पोइट्री से, कहाँ से होगा, पोइट्री सेक्शन से। ये वाले आपके प्रोज सेक्शन के थे लिटरेचर में, और ये आपका लिटरेचर पोइट्री सेक्शन से होंगे। इसके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जो हमें पता है कि भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं और ना करें तो कसम से उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी हमें कभी नहीं लगती है। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि उनमें से आपको इसमें सपोज कर 4 मार्क्स का है, ठीक है, 4 मार्क्स का है ये भी आपका, ठीक है, तो 4 मार्क्स का ये भी है, तो 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करने, जिनमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 क्वेश्चन आपको पता होते हैं, जैसे कि नेम द पोएम एंड द पोइट, नेम द पोएम एंड द पोइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे पोएम का और पोइट का नाम याद कर लेना है, ठीक है, दोनों के जो जितनी भी आपकी पोइट्रीज दी हैं सभी के पोएम में से पोइट्स के नाम जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है। और क्या याद करना है आपको, कभी कभी क्या होता है कि आपको राइमिंग स्कीम भी पूछ ली जाती है, क्या राइमिंग स्कीम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइमिंग स्कीम तैयार करनी है, ठीक है, हर एक चैप्टर को आपको पता कर लेना है। नहीं आपको आता है राइमिंग स्कीम लिखना तो मैं आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, आपको वीडियोस में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पर, ठीक है। अब देखिए और जो थर्ड चीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से वो आपको लाइफ टाइम इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, वो है आपकी फिगर ऑफ स्पीच। और बेटा ये अधिकतर पूछ लिया जाता है आपके ऊपर वाले पैसेजेस में भी कई बार, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच आपको ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि बेटा मानते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू सिर्फ एक नंबर की हो, लेकिन बेटा करियर के मामले में इसकी वैल्यूज बहुत होती है, जिन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि आपको फिगर स्पीच भी तैयार करना है, और आप इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल पर जा सकते हैं, मैंने वीडियोस डाल रखे हैं तो उन्हें चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और कैसे तैयार करनी है। देखो यहाँ से आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है, मतलब 12 और 20 32, अभी आपका 8 मार्क्स का बच रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहले सेक्शन ए यहीं खत्म कर लेते हैं। सेक्शन ए में आपका जो पांचवा क्वेश्चन होगा उसमें क्या होंगे, आपके 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 8, वो भी आपके MCQ बेस्ड ही होंगे, आपकी NCERT से रिलेटेड, ठीक है, इंग्लिश NCERT से। तो आपको ये सब कुछ जो था उसमें सब कुछ आपको एलिमिनेशन मेथड ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अपने पोइट्रीज को याद रखना और सेंटेंस कन्वर्ट करके उनके मीनिंग या एंटोनियम सिनोनियम आपसे पूछे जाते हैं वो निकालना, ठीक है। और अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें अगर ग्रामर बेस्ड होंगी तो हम सिखा देंगे, आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से सही आर्टिकल, प्रोपोजिशंस, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अब नेक्स्ट चीज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 8 और 12 यहाँ से आपका हो गया 20, पूरा हो गया 40, ठीक है। चलो अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का ही है, ठीक है, तो देखेंगे वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब सेक्शन बी में आपको, सेक्शन बी में बताया गया है कि वही भी आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। उसमें जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगा आपका राइटिंग सेक्शन, सबसे पहला जो दिया होगा वो दिया होगा आपको राइटिंग वर्क दिया होगा, और राइटिंग सेक्शन जो है आपका इस बार का, ठीक है, वो कितने मार्क्स का आ रहा है बेटा, 16 मार्क्स का आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, 16 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए 16 मार्क्स का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन में। तो 6th नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, वह आएगा बेटा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है। और आपको दो दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। अब ये क्या चीज होगी,
बेटा सबसे बेटर चीज़ है राइटिंग सेक्शन में स्कोर करना। अगर आप 16 में 16 यहाँ स्कोर कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी और आसान भी है बहुत, यहाँ 16 में 16 स्कोर करना कोई बड़ी तो बात नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका 16 मार्क्स का है उसमें क्या होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट, एक क्वेश्चन आपका एडवर्टाइजमेंट से होगा और एक क्वेश्चन हो सकता है आपका नोटिस से हो। किस चीज़ से? नोटिस से। दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। मैंने वीडियोस डाल रखी है कि आपको कैसे एग्जैक्ट नोटिस और एडवर्टाइजमेंट अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली इसी के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में मार्क्स लेके आना। जरूरी है कि हाँ एक बार आप सीखें सही तरीके से, और वही सीख हम देने वाले हैं आपको हमारे चैनल में, आपको मिल जाएगा सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको वन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, और वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा बेटा? 3 मार्क्स का होगा। क्लियर है सभी को? ये भी आपका 3 मार्क्स का ही होगा। और आपको इसमें क्या करना है, देखिए आपको इसमें दिया होगा रिप्लाई या फिर आपको इनविटेशन लिखना है इसमें। क्या? रिप्लाई एंड इनविटेशन। देखो हमें जब पता है कि भाई ये चीज़ें आने वाली है, बार बार इस बात को कहता हूँ कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जब होती है जब हमें पता है कि ये चीज़ आने वाली है और तब भी हम उसे तैयार ना करें, ठीक है। तो याद रखना इनविटेशन, रिप्लाई, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें आप। और मैंने इसके लिए वीडियो डाल दी है आपके लिए, बेटर वीडियोज डाली है, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो 1 out of 2 आपको रिप्लाई और इन्विटेशन लिखना है, इनमें से कोई एक चीज़ आपको करनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा आपका? लेटर टू द एडिटर, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, लेटर टू द एडिटर हो सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लेटर टू द एडिटर दिया रखा हो सकता है, या फिर आपका रिज्यूमे। क्या? रिज्यूमे। मतलब यहाँ भी आपकी चॉइस होगी, दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये जो होगा वो आपका बेटा 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। क्लियर सभी को इतना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th आपका, यही राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9th भी दिया होगा, जिसमें कि आपको बताया होगा आपको फिर से दो में से एक अटेम्प्ट करना है सभी की तरह, ठीक है। 1 out of 2, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करना है। ये इसमें आपको क्या क्या चॉइस दे रखी होगी? एक आर्टिकल दे रखा होगा या फिर एक रिपोर्ट। आपको आर्टिकल और रिपोर्ट में से कोई एक करना है, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल में से, ठीक है। तो सिखा दिया है मैंने सभी, रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल सभी की आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बेटा 5 मार्क्स का दिया होगा। आप वर्ड लिमिट्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जितनी वर्ड लिमिट्स बताई होगी आपको क्वेश्चन पेपर में, आप उतनी वर्ड लिमिट्स में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर राइटिंग सेक्शन, देख लीजिए 16 मार्क्स कंप्लीट हो गया, 3, 3, 6, 5, 5, 10 और 6, 16। तो इस तरीके से आपका 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन होगा। चलिए इसके बाद जो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा आपका। देखिए इसके बाद आएगा आपका लिटरेचर सेक्शन। चलिए देखते हैं क्या होगा आपका इसके बाद, लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, देखेंगे अब लिटरेचर सेक्शन आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये आपका कितने मार्क्स का आएगा? 24। देख लीजिए क्योंकि हमने 16 मार्क्स डिडक्ट कर देंगे इसमें से, बचा कितना? 24, क्योंकि वो हमारा राइटिंग सेक्शन हो गया। अब ये 24 मार्क्स का आपका आएगा लिटरेचर सेक्शन, जिसमें कि आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं देखेंगे, अब आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया रखा होगा बेटा, कि आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे आपको करने के लिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 है तो टोटल हो गया बेटा 10 मार्क्स का। और वर्ड लिमिट याद रखना है आपको 30 to 40 वर्ड्स में ही आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11th आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3, ठीक है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये भी आपके क्वेश्चन आंसर ही होंगे, ठीक है। और इनका जो मार्क्स होंगे आपके 2 into 2 = 4 मार्क्स के, सेम वर्ड लिमिट होगी आपकी 30 to 40 वर्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा 14 मार्क्स का कंप्लीट हो गया, अभी हमारा 10 मार्क्स का बचा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो होगा वो आपका चॉइस बेस्ड होगा, ठीक है, जिसकी वर्ड लिमिट्स आपको जितना मैक्सिमम वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, बताया गया है आपको उतने ही वर्ड्स में लिखना है, जिसकी वर्ड लिमिट होती है आपकी 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। देखिए आपको यहाँ भी क्वेश्चन आंसर दिया होगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1 out of 2, ठीक है, 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का, जिसकी वर्ड लिमिट होगी आपकी 120 से 150 शब्दों में, ठीक है। तो बहुत ही कन्विंसिंग वे में देना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो आपका होगा
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बताते हैं आपको, सेम अगेन क्वेश्चन आंसर आपको देने लिखना है उसमें, आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ टू, जो कि आपका अगेन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। वर्ड लिमिट भी सेम 120 टू 150 वर्ड्स। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर 2021 ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए और चैप्टर्स के लिए क्या ट्रिक है, सर आपने बाकी सभी का ट्रिक बता दिया, ये तो आपने फेवरेटली ट्रिक समझा करके छोड़ दिया। देखिए सबसे बेटर ट्रिक्स क्या हैं, कभी भी बिल्कुल भी आपको जितने भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन मोस्टली आपके वहीं से आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर स्केच आपको ज़रूर करने हैं और इन्हें छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या लगता है आपको ये सही है, आप किसको सपोर्ट करेंगे, आपके हिसाब से कौन सही था कौन गलत था, या आपको इस चैप्टर से क्या सीखने मिलती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रेड ट्रैप से क्या वैल्यू सीखने को मिली आपको, ठीक है, डॉक्टर सदा वाले चैप्टर से आपको क्या सीख मिली, MMLs वाले से आपको क्या सीख मिली, उसके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे आप जरूर करें। और दूसरी चीज बेटा, क्योंकि ये लिटरेचर सेक्शन है, हो सकता है कहीं से भी आ जाए, लेकिन तो बात रही कि जो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, वो आपको क्या है, देखिए आपको क्या करना है, तैयार करना है, क्या करना है, सभी चैप्टर्स तैयार करने हैं। देखो सबसे अब इतना तो आपको मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप कोई कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं, उनके लिए क्या ट्रिक है, देखिए वो क्या करें, हमारे चैनल पर से जाइए, चैनल पर जाइए, चैप्टर्स की जो समरी आपको यहाँ पे चैप्टर समझाया गया है उसके लिए क्लिक कीजिए और ईयरफोन लगा करके कम से कम खाली सुनते रहिए, देखिए वीडियो सिर्फ सुनते रहिए उस कहानी को अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। और ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे वो आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं इस टाइप मार्किंग या कुछ क्राइटेरिया की लिस्ट पर आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बने रहिए और आपको पक्का हम सिखाएंगे सभी वीडियोस को। अगर किसी को और कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं हमें, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम